नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 8.2 के बारे में, जो ग्रेटनेस करके डेवलपर है दोस्तों उसकी तरफ से जीकेम 8.2 का 204 का बिल्ड अवेलेबल हो गया है। यानी जो गूगल कैमरा है एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए, रात के टाइम नाइट फोटोग्राफी करने के लिए मोबाइल से काफ़ी बढ़िया फोटोज को क्लिक कर पाता है। एंड यहाँ पर वर्जन आप देख सकते हो, org.codeaurora.snapcam का जो पैकेज नेम है यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है। एंड हमारे पास जो डिवाइस है रेडनोट 7 है, तो इसके अंदर भी काम करता है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। यूज़र इंटरफेस की बात करूँ, कुछ जिस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस देने को मिल जाती है इस गूगल कैमरा का, जो कि इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें नाइट साइट का फीचर्स देने को मिलता है, HDR का ऑप्शन देने को मिलता है, मोशन ऑप्शन देने को मिलता है, तो नॉर्मल स्टेप है। बात कर लेते हैं इस बिल्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स को ऐड करके दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों, इस बिल्ड के अंदर हमें नया जो ऑटो हाइड बैलेंस का ऑप्शन है उसे ऐड करके दिया गया है। उसके बाद अगर आप इस बिल्ड को इंस्टॉल करने के टाइम प्रॉपर एक्सेस नहीं देते हो दोस्तों, सभी जो अपना कैमरा है जो स्टोरेज है उसके एक्सेस नहीं देते हो, तो आपको शायद ब्लैक स्क्रीन का इशू आ सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप कैमरा को इंस्टॉल करते हो तो प्रॉपर जो एक्सेस है उसे आप दीजिए। और एक चीज़ में नोटिस किया है, यहाँ पर जो आप कलर देख सकते हो, यहाँ पर नॉर्मली ब्लू कलर के अंदर होता है, बट जो आपको वॉलपेपर है वॉलपेपर के अंदर जो कलर होगा और आपके सिस्टम के अंदर जो भी आप कलर को चूज करके रखोगे उस कलर के हिसाब से आपका जो गूगल कैमरा के अंदर सेटिंग्स का कलर है वो भी चेंज होता रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर येलो है क्योंकि हमारा जो वॉलपेपर है उसको येलो वाला है, इसलिए सो काफ़ी बढ़िया है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नया पैरामीटर्स को भी ऐड करके दिया गया है। एंड यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस के अंदर कुछ नया नया फीचर्स देने को मिलते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर एडवांस कलर कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड अपना ये जो बिल्ड है दोस्तों आपका वन प्लस के ऊपर काम करेगा, सैमसंग के ऊपर काम करेगा, तो यहाँ पर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरे का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत से अलग अलग जो पैकेज में देखने को मिलता है। सो आपको अगर आप वन प्लस 8 यूज़ कर रहे हो, 8080 प्रो है, तो आपको ORG कोड एरोरा स्नैपकैम को डाउनलोड करना है। अगर आप सैमसंग यूज़ करते हो तो आपको com.samsung.android को डाउनलोड करना है। एंड बाकी अदर डिवाइस के लिए com.google.android.google कैमरा। एंड बाकी आप देख ही सकते हो इसका जो गूगल का ऑटो हाइड बैलेंस यहाँ पर हमें देने को मिल जाती है, टाइमर का ऑप्शन से। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है सनसेट मोड आई गेस, इसके साथ आप और भी बढ़िया रात के टाइम फोटोज को क्लिक कर सकते हो, काइंड ऑफ नाइट मोड की तरह काम करेगा। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी हमें नाइट साइड मोड देने को मिलता है, फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, HDR मोड का ऑप्शन देने को मिल जाती है। एंड यह सब जूम एंड जूम आउट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर हमें डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड देने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पर भी हमें गूगल का ऑटो हाइड बैलेंस के साथ साथ यहाँ पर फोकस के लिए फायर नियर इन्फिनिटी का जो ऑप्शन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का जो है अलग अलग जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइमलेस मोड भी देखने को मिलता है, देख लेते हैं टाइमलेस मोड काम करता नहीं, ये देखो टाइमलेस मोड काम कर रहा है। एंड अगर बात करें यहाँ पर अपना स्लो मोशन की वो भी देख लेते हैं, तो स्लो मोशन फीचर्स अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करता है। स्लो मोशन में क्लिक करते ही हमारा जो कैमरा है क्रैश कर जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो फुल HD के अंदर ऑटो FPS 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन है, एंड 4K के अंदर 60 FPS का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट इनेबल है, क्या बात है। एंड एक चीज़ आपने नोटिस किया है पीछे का जो है ओके आई गेस दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ग्लिच है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर ग्लिच हमें देने को मिल रहा है 4K के अंदर जब भी हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और एक बार 30 FPS के साथ देखते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखते हैं जो ग्लिच है दोस्तों सच में काम, मतलब यहाँ पर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर देने को मिलता है नहीं, ओके जो ग्लिच है दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है, बट जब वीडियो को हम रिकॉर्ड करते हैं तब दोस्तों हमें देखने को मिलता है अपने व्यू फाइंडर के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इसे डेवलपर को फिक्स करना चाहिए। शायद मेरे डिवाइस पर हो रहा है, अगर आपके डिवाइस पर हो तो कमेंट करके जरूर से बताना, इसलिए मैंने बोला था डाउनलोड कर लेना। एनीवे यहाँ पर अगर बात करो और बहुत सारी सीरीज की, तो चलते हैं सीरीज के अंदर। हमें यहाँ पर सीरीज के अंदर बहुत सारे अलग ऑप्शन देने को मिलता है, कैमरा लोकेशन, गूगल लेंस सजेशन का ऑप्शन है, सोशल शेयर का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आप गूगल कैमरा से ही फोटोज को शेयर कर पाओगे। यहाँ पर हमें डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन के अंदर HDR कंट्रोल रॉ इमेज का सपोर्ट, यहाँ पर जो फोर्स एस्ट्रो फोटोग्राफी को ऑन कर सकते हो, सनसेट बटन हमें देने को मिल जाती है, HDR फ्रेम काउंटर, सो आप यहाँ पर लो मीडियम हाई अलग अलग जो HDR फ्रेम है उसे आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक्सपोजर का जो ऑप्शन है वो भी हमें यहाँ पर देने को मिल जाती है। एंड ISO रैम पैचर का ऑप्शन देने को मिलता है, रैम पैचर जो है काफ़ी बढ़िया है। नॉइस मॉडल का ऑप्शन देने को मिलता है, कस्टम ऑटो हाइड बैलेंस का ऑप्शन है, स्टीम कॉन्फिग, यहाँ पर हमें व्यू फाइंडर एंड मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आप फ्रेम रेट को चूज कर सकते हो व्यू फाइंडर के अंदर।
स्पेशल फिक्स करके एक ऑप्शन डाल दिया गया है जहाँ पर जो डिजिटल गेन एनालॉग गेन होता है दोस्तों वो कस्टम इंटरफेस होता है। ओ हो भाई साहब, यहाँ पर हमें कस्टम इंटरफेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। सो एक क्या चीज़ है भाई साहब, एक बार गोल कैमरा को रीस्टार्ट करके देखते हैं। शायद जो पिक्सल है अलग अलग जो मतलब इंटरफेस है उस भी आप अप्लाई कर सकते हो पिक्सल डिवाइस के द्वारा, इसके पिक्सल 5 मतलब मॉडल को आप चेंज कर पाओगे बेसिकली आई गेस, आई डोंट नो। एनीवे यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी कैमरा का जो फीचर्स वो भी देने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें एडवांस कलर ऑप्शंस और कैलिब्रेशंस का ऑप्शन देने को मिलता है, इसको मैं ऑलरेडी बोला था। सो यहाँ पर ऐसी बहुत सारे ऑप्शंस हमें देने को मिलते हैं इस गोल कैमरे के अंदर जो कि शायद ही आप यूज़ करोगे, बट अगर आप जानते हो किस तरह से यूज़ करना तो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑप्शन होगा दोस्तों यूज़र को कन्फ्यूज़न उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए अगर आपको मालूम है कौन सा ऑप्शंस को यूज़ करना है तो डेफिनेटली यूज़ कीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर रेट ट्यूटोरियल का ऑप्शन देने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉपर बताया गया है एक्सपोजर क्या है, नॉइस मॉडल क्या है, कस्टम आर्डिबलेंस क्या है, स्टीम कॉन्फिग, रैम पैचर, एस्ट्रो फोटोग्राफी गाइडलाइन सभी क्या है, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो जो काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आप चाहते हो मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो जरूर से कमेंट करके बोल देना, मैं जरूर से वीडियो बनाऊँगा। एंड एडवांस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हमें HTML कॉन्फ़िग को अप्लाई करने का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाती है। बाकी फ्रेम हेडिंग का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का ऑन कर सकते हो, यहाँ पर कैमरा का जो रेगुलेशन उसे आप चेंज कर पाओगे। एंड सेफ सेल्फी सेस वीवो का ऑप्शन देने को मिल जाती है, वीडियो स्टेबलेशन, ऑडियो जूम का ऑप्शन देने को मिलता है। एंड ये अपना डेवलपर एस्थेटिक्स है, यहाँ से आप डेवलपर सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको लैन मोड के अंदर बताया गया है GCam 8.2 1.4 वर्जन है ग्रेटनेस की तरफ से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो गूगल कैमरा है स्पेशली रात के टाइम फोटोज को क्लिक करने के लिए काफ़ी शानदार गूगल कैमरा है। एंड डेफिनेटली दोस्तों ये जो गूगल कैमरा है इसे आपको ट्राई करके देखना चाहिए आपके फ़ोन के ऊपर। एंड आपका जो फ़ोन है फ़ोन के अंदर जो एक्सपीरियंस है इस गूगल कैमरा के साथ काफ़ी बढ़िया होने वाला है। डेफिनेटली इसके लिए आपको कोई भी मतलब कोई ताजुब की बात नहीं है। एंड इसके पहले भी दोस्तों इस डेवलपर की तरफ से स्पेशली रात के टाइम फोटोग्राफी करने के लिए बहुत सारी बहुत 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 बढ़िया बढ़िया जो है गूगल कैमरा का मॉडिफाइड वर्जन अवेलेबल हुआ था, जिसको मैंने वीडियो भी बनाया था। तो डेफिनेटली ये जो गूगल कैमरा है काफ़ी शानदार है रात के टाइम फोटो क्लिक करने के लिए, इवन डे लाइट के अंदर भी फोटो क्लिक करने के लिए। तो इसलिए मैं कुछ पिक्चर सैंपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो जितने भी पिक्चर सैंपल है सभी पिक्चर सैंपल को मैंने रेवेनोट 7 के साथ क्लिक किया है। एंड देखिए पा रहे हो जो पिक्चर के अंदर क्वालिटी है मैं किस तरह से देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बोला डे लाइट एंड नाइट लाइट दोनों के अंदर ये जो गूगल कैमरा है काफ़ी बढ़िया काम करता है। इसका जो एल्गोरिथम है जो AI है काफ़ी शानदार है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस जो हमें यहाँ पर चूज़ किया जाता है डेवलपर के मतलब इस गूगल कैमरे के साथ जो है काफ़ी बढ़िया बात है। सो पिक्चर की क्वालिटी आपको कैसा लगा दर्शक कमेंट करके बोलते हैं, मेरे को तो काफ़ी सही लगा है, पिक्चर के अंदर कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। एनीवे दोस्तों अगर आपको इस गोल कैमरा को डाउनलोड करना है तो इस गोल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।